ओम शांति। देखो कई बच्चे हैं जो कहते हैं हम सर्विस तो बहुत करना चाहते हैं बाबा, पर हमारे पास चित्र नहीं है। हमारे पास चित्र हो तो हम बहुत सर्विस करें। तो बाबा उन बच्चों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान है, सारे ज्ञान का सार है, तो सिर्फ चित्रों की वजह से तुम सर्विस ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या चित्रों की वजह से तुमको हो हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो चित्र बनाए हैं ये उनके लिए बनाए हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता और करेक्शन करा के बनाए जाते हैं। चित्रों से तुम्हारा योग का कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें समझ मिल गई, तुम्हें बाप की पहचान मिल गई, तो चित्रों का अर्थ भी समझ आ गया। अब जब चित्रों का अर्थ समझ में आ गया तो अर्थ समझा सकते हो, वरना तुम तो बाप को याद करो और याद कराओ। तो हर बात में बाबा के भाव को समझना होता है। इसलिए कहीं कहते हैं आज तो बाबा ने कहा चित्रों की दरकार नहीं, कभी बाबा कहते हैं कि चित्र जरूर होने चाहिए। वो बच्चों की अवस्था पर निर्भर करता है। कहीं टू मच इसी चीजों में चले जाते हैं कि चित्र नहीं है तो सर्विस नहीं है, और कई चित्रों को रिगार्ड नहीं देते हैं। तो बैलेंस में ही हर चीज अच्छी लगती है, ये सबको पता है। बाबा को भी बैलेंस बहुत पसंद है कि अगर आत्मा ये स्वीकार करती है कि अगर ये चीज नहीं है फिर भी वो सर्विस करती है, माना समझदार है, समझदार है। और हर चीज की जब वो रिस्पेक्ट करती है, रिगार्ड रखती है, तो माना समझदार है। इसीलिए बाबा को बीच बीच में बहुत सी चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे या तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं या बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बीच में नहीं रहते हैं। समझने की कोशिश कम करते हैं और बातों को ज्यादा पकड़ते हैं। सीन, सिचुएशन या कौन सा बच्चा है उसके लिए क्या डायरेक्शन है, क्योंकि चार पेज की मुरली के अंदर हर एक बच्चे के लिए डायरेक्शन है। अब यह हर एक बच्चा अपनी अवस्था अनुसार समझ सकता है कि बाबा मुझे क्या समझा रहे हैं, क्या उसकी मनोस्थिति है, किस तरह से वो चीजों को लेता है, तो उसी प्रमाण बाबा उसे समझाने देते हैं। और फिर कई बच्चे उन्हीं पॉइंटों को पकड़ के बैठ जाते हैं, बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने इस मुरली में ऐसा कहा, बाबा ने उस मुरली में ऐसा कहा। तो बाबा तो मुरली बच्चों को देख के चलाते हैं ना, तो बच्चों की अवस्था अगर एक रस रहती तो बाबा को ये भी कहने की दरकार ना पड़ती, वो भी कहने की दरकार ना पड़ती, एक ही बात में सब बच्चे समझ जाते तो बाबा को इतनी डिटेल क्यों देनी पड़ती। फिर तो एक ही बात होती, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। यही तो सार है कि हमें इस अवस्था में रहकर ही परमात्मा महावाक्य को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अडॉप्ट करने चाहिए। ये अडॉप्शन में ऊपर नीचे क्यों जाता है? कभी तो देखो बहुत अच्छी अवस्था, क्योंकि माया को भी साथ लेके ही चल रहे हैं, पांच विकारों को भी आधार लेके चल पड़ते हैं। जिस बुद्धि से हमने बाप को पहचाना है उसी बुद्धि के आधार पर अहंकार आ जाता है और ये समझ लगते हैं कि हमें भगवान से ज्यादा अच्छी समझ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप हो जाती हैं जो देहाभिमान के कारण होती है, और व्यक्ति की नजर नहीं जाती कि यह देहाभिमान के कारण है। फिर वो अपनी अजीब और गरीब कुछ धारणाएं बना लेता है, वो जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। धारणाएं वो बनाओ जो आपको आगे बढ़ाएं, वो नहीं जो आपको पीछे ले जाएं। हर एक आत्मा को समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मैं दैवी गुणों की धारणा करूं, कैसा मैं श्रेष्ठ आत्मा बनूं, ये उसे अपने आप में चिंतन करना है, ना कि कोई और उसे चिंतन दिलाएगा। अगर चिंतन आप ही कर लें तो किसी और को दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अटेंशन आपका ही है सुबह उठने पर, रात्रि को अच्छे से बाबा को याद करने पर, तो बाप को भी याद बार बार ना कराना पड़े कि अमृत बोले सुबह जल्दी उठो। पुरुषार्थ करने वाला बच्चा और सही से जीने वाले बच्चे को कभी नहीं कहा जाता है कि तुम ये ना करो, तुम ये ना करो। तो हरेक को अपने आप में जरूर देखना है कि बाबा जो समझानी देते हैं उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब भूले होती हैं तभी समझानी मिलती है, अगर भूले ही ना हो तो समझानी क्यों मिले। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो बहुत समझदार हैं, हमें क्यों ही समझानी मिल रही है। हम समझदार दो दिन ही रहते हैं, फिर तीसरे दिन फिर माया का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म माया के अंग संग रहे हो
तो इतनी आसानी से वो आपको छोड़ती नहीं, जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाएगा कि आप विजयी आत्मा हो। वो भी आपके सामने पेपर इसीलिए लेकर आती है कि लास्ट में मैंने तुम्हारे गले में हार डालना है तो पहले मैं भी तो चेक कर लूँ कितनी ताकत है तुम्हारे में। तो अगर आपको ही नशा नहीं रहता ऑलमाइटी अथॉरिटी का, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का, तो आप उसको कैसे एहसास कराओगे कि आधा कलब के लिए तेरी छुट्टी। तो खुद में इतना नशा होना चाहिए सर्वशक्तिवान बाप के साथ का, तब जाके आप उसे आधा कलब के लिए छुट्टी दिलवा दोगे, ताकि वो आधा कलब बिल्कुल भी आपको तंग ना करे। रिंचक मात्र भी स्वर्ग में एंट्री नहीं है उसकी, क्योंकि स्वर्ग माना सुख। तो डायरेक्शंस तो मिलते हैं, पर डायरेक्शन को अप्लाई करने वाली आत्माएं हम सब नंबरवार हैं, क्योंकि समझती हम नंबरवार हैं। जैसी जैसी सिचुएशन बनती है वैसा समझ जाएं तो फिर हम तुरंत तुरंत बन जाएं, लेकिन हम कुछ और ही सोचने लगते हैं। बाबा समझाएंगे कि चित्रों की दरकार नहीं, तो ये सोचेंगे कि अरे बाबा ने कहा चित्रों की दरकार नहीं, कल कह रहे थे चित्रों की दरकार है। तो भाव समझो, हर तरह के बच्चे होते हैं, अगर बैलेंस में चलने वाले बच्चे होंगे तो उन्हें बात ये स्पष्ट समझ में आएगी कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। इसलिए जो समझू सियाने बच्चे होते हैं उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक, तो हमें तो एक एग्जाम्पल जो हमारे सामने है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। तो हर बात में जो यथार्थ सत्य है उस चीज को वैसे ही स्वीकार करने वाली आत्मा नंबर वन बनती है, ना कि ये डाउट करने वाली कि बाबा ने आज ऐसा कह दिया, बाबा ने कल ऐसा कह दिया, इसके पीछे क्या राज है, और वो संशय में आ जाती है। और यही संशय उसको गिरा देता है, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि का अहंकार इतना है कि ये भी एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संगम पर जब बुद्धि भगवान से मिल रही है उस चीज का अहंकार क्या कर रहा है। तो समझ, सही समय पर सही समझ काम जब करती है तो समझदार कहलाया जाता है, और समय बीत जाने पर अगर समझ में आई तो पश्चाताप होता है। तो इसीलिए हमें जो बुद्धि मिली है उससे हमें बाप को याद करना है, और उस बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। तो समय समय पर जो भी समझाने मिले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, उसमें उलाने नहीं देने चाहिए, तब जाके आप जीवन का अतिंद्रिय सुख पा सकते हो। वरना कोई ना कोई छोटी सी बात पर भी आप उलझन में आ सकते हो, और वो उलझन इतनी बड़ी हो जाती है कि आत्मा बाप का हाथ और साथ छूटा हुआ अनुभव करती है। वरना अतिंद्रिय सुख के झूले सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही मिलते हैं। ओके, तो तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। ओम शांति।